आपको बाबा साहब अंबेडकर की बात को मानना होगा, जैसा भी राजरत्न अंबेडकर जी कह रहे थे, आप लोग जातियों में इसलिए बने हुए हो ताकि आप लोग रिजर्वेशन का लाभ मिले। वैसे तो भंडारी जी ने बताई थी 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया कि आप लोग बुद्धिस्ट बनते तो भी आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इस लालच को कब तक पकड़े रहोगे भाई? नौकरियां है कहां? दो कारणों से हमारे समाज की तरक्की हुई, एक कारण हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के रास्ते खोल दिए। हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे समाज के लोग न तो संपत्ति के मालिक बन पाए, न कॉलेज के मालिक बन पाए, न स्कूल के मालिक बन पाए, न अस्पताल के मालिक बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग देश की संपदा में, संपत्ति में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हमारे लोग पिछड़ गए और जो कुछ हमें मिला वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से, पढ़ने के अधिकार की वजह से दिया। अगर वो हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, हम लोग नौकरी में ना पाते। आज हमारे लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, हमारे लोग राष्ट्रपति बन गए। लेकिन यह ताली बजाने से पहले सोच लेना, ईमानदारी से बताइए, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो गया? क्या देश के दो दो राष्ट्रपति बनने के बावजूद क्या हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो गया? आज भी तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, लेकिन दुख तब होता है आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे दलित राष्ट्रपति, दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश दलित बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई, जब बाकी लोग बनते तो कोई कहता सुना है ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण राष्ट्रपति, सुना है क्या? इसी अंतर को समझिए, ये लोग हमारी इस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। ये लोग समझ गए, जो लोग 16-16 घंटे धूप में काम करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, इनके पास ये बोलने की ताकत कहां से आ गई? आज ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आज ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनको समझ आ गया ये ताकत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा, इनके जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल दिए, इन्होंने पढ़ने लिखने से ज्ञान अर्जित कर लिया, इस ज्ञान से इनके पास बोलने की ताकत आ गई। और जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, उस रिजर्वेशन की व्यवस्था से ये लोग ग्राम प्रधान बन गए, निगम पार्षद बन गए, जिला पंचायत में जीत कर आ गए, MLA बन गए, MP बन गए, मंत्री बन गए। यहाँ तक कि मैं आज अगर मंत्री हूँ तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी और बलिदान की वजह से हूँ। वो कहते हैं कि मंत्री पद चला जाएगा, अरे मंत्री पद तो कुर्बान है अपने समाज के ऊपर, इस समाज की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी की वजह से मंत्री पद मिला है। अगर अपने समाज की इज्जत सुरक्षित ना कर पाए, अपने अगर अपने समाज की बहन बेटी की इज्जत ना बचा पाए, अगर अपने समाज के ऊपर होने वाले जुर्म के खिलाफ ना बोल पाए, अगर अपने मुद्दों को हम संसद विधानसभा के अंदर ना उठा पाए, तो हम समाज द्रोही है, हम धोखेबाज है, हमने बाबा साहब के साथ धोखा किया। अब हम धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते, जो लोग अपने आप को धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते उन्हें समाज की आवाज को उठाना पड़ेगा, उन्हें समाज के आंदोलन को घर घर तक उठाना पड़ेगा। और हम सब अगर बाबा साहब के बच्चे हैं, चूंकि देखिए नौकरी वो खत्म कर चुके, ऑलरेडी देश के सारे संसाधन बेच चुके, जैसे राजरत्न अंबेडकर जी ने बताया। आज मैं आपका आह्वान करता हूँ, हम खुद खुले मन से कह रहे हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप समान हो अपना आरक्षण, हमें सम्मान चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, देश के उच्च न्यायालयों में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में, देश के सारे संसाधनों में, देश के व्यापार में, देश की इंडस्ट्रीज में, देश के सेक्रेटरिएट में, हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी व भागीदारी चाहिए, हमें जमीन के अंदर हिस्सा चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए। अब केवल नौकरी की बात बेईमानी हो गई है, नौकरी से काम चलने वाला नहीं है, हमें हिस्सेदारी भागीदारी की मांग करनी होगी। अपनी इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा, हम जानते हैं हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे, जीतना हम जानते हैं, बाबा साहब ने जीता था, तो बाबा साहब के बच्चे भी जीतेंगे।
बाबा साहब के बच्चे भी जीतेंगे। लेकिन इस जीत में अगर हार मिलती है, अगर कोई कमजोरी दिखती है, तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग जातियों को जिंदा रखे हुए हैं, हम जातियों को बनाए रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति कुदरत ने बनाई है तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है, फ्रांस में जाति क्यों नहीं है, जर्मनी में जाति क्यों नहीं है, ब्रिटेन में जाति क्यों नहीं है, चाइना में जाति क्यों नहीं है, जापान में जाति क्यों नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति क्यों नहीं है, कोरिया में जाति क्यों नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है। जाति है तो केवल भारत के अंदर है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ, और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ। अगर जातियों के वजह से हमें नुकसान है, तो फिर हम जातियों को पकड़ के क्यों बैठे हैं, हम जातियों को छोड़ के नहीं देते। इसीलिए हमने इस बीमारी का इलाज खोज लिया है, खोज के तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए थे, लेकिन वो जो दवाई पुड़िया बनाकर समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विषमता से मुक्ति दिलाने के लिए, छुआछूत से मुक्ति दिलाने के लिए, जातिवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जो दवाई पुड़िया बनाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे, हमारे बुजुर्गो ने उसे अलमारी में बंद कर दिया और गलो गुलामी का जीवन जीते रहे, जातियों को जिंदा रखे हुए नहीं। इसीलिए हमारे समाज के साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। अगर हम जाति छोड़ देंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे। बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बौद्ध में भारत का निर्माण करना होगा। 128 देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो भारत को विश्व गुरु मानते हैं, वो भारत को विश्व गुरु बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। बुद्ध की वजह से भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन है। भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। उसका रास्ता केवल एक है, बौद्ध में भारत। जो लोग तैयार है बौद्ध बनने के लिए, जो जहां भी खड़े कर दोनों हाथ उठाकर समर्थन करेंगे, जो बौद्ध बनने के लिए बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो मेरे साथ बोलिए, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव एक समान, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम लोगों ने संकल्प सपना देखा है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर हमारे शरीर के अंदर खून है, अगर हम आपके बच्चे हैं, तो 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को हम बुद्ध के धम्म में लेकर आएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उसका संकल्प इस साल हमने 10,000 लोगों को दीक्षा दिलाने का संकल्प लिया था, लेकिन मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है, इसी अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर 1,00,000 से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज ही दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही राजकोट के अंदर दीक्षा हो रही है, आज ही गुजरात के अमरेली में दीक्षा हो रही है, आज ही जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही इंदौर में दीक्षा हो रही है, भोपाल में दीक्षा हो रही है, बौद्ध में दीक्षा, बोधगया में दीक्षा हो रही है, पटना में दीक्षा हो रही है, लखनऊ में दीक्षा हो रही है, कानपुर में दीक्षा हो रही है, किस किस शहर का नाम लो, तमिलनाडु में दीक्षा हो रही है, तेलंगाना में दीक्षा हो रही है, कर्नाटका में दीक्षा हो रही है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 25,00,000 में स्पेशल एक फ्लाइट स्पाइस जेट बुक करके 25,00,000 रुपए में 150 डॉक्टर तमिलनाडु के चेन्नई से कल रात बौद्ध में भारत का एक पूरा विमान बुक करके बाहर छपवा के बौद्ध में भारत, बाबा साहब का सपना बौद्ध में भारत, वो विमान पूरा 150 डॉक्टर 25,00,000 एक तरफ का किराया देकर आने जाने का पूरी फ्लाइट बुक करके तमिलनाडु के चेन्नई से कल शाम दीक्षा भूमि आए नागपुर आए हैं, तो पूरा भारत बुद्ध की तरफ चल चुका है। चलो बुद्ध की ओर, वो साथी चलो बुद्ध की ओर, देखो छाया भी हो गई। भीम बुलाता है तुम्हें जय, भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है हमें जय, भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय
सिंह बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर उतर जाए। सिंह बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर उतर जाए। सिंह बुलाता है, सिंह बुलाता है, उतर जाए। सिंह बुलाता है, सिंह बुलाता है, उतर जाए। सिंह बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर उतर जाए। सिंह बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर उतर जाए। सिंह बुलाता है, सिंह बुलाता है, उतर जाए। सिंह बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर उतर जाए। सिंह बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, आपके शब्दों ने हम सब के रक्त में क्रांतिकारी संचार कर दिया है। एक घोषणा और है, 2025 में जनवरी से 6 महीने के लिए मैं श्रामनेर बनकर पूरे भारत को बौद्धमा बनाने के लिए बहुत धन्यवाद देश में जाऊंगा। जनवरी 1 जनवरी 2025 बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि दीक्षा दिवस अशोक विजयदशमी 2025 को 10 करोड़ लोग बुद्ध के धर्म की दीक्षा लेंगे और उसके लिए 1 जनवरी से इसको 4 चरणों में बटा है। इस साल 10,000 का लक्ष्य था, 1 लाख क्रॉस कर गया। अगले बार 10 लाख का लक्ष्य है, 1 लाख का लक्ष्य 10 लाख क्रॉस करेगा। उससे अगले साल 2024 में 10 लाख का लक्ष्य है, 1 करोड़ क्रॉस करेगा। और 2025 में 10 करोड़ का लक्ष्य है, 20 करोड़ क्रॉस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 1 जनवरी 2025 से चीवर धारण करके श्रामणे बन के पूरे भारत का भ्रमण करूंगा। बौद्ध में भारत का सपना बाबा साहब का सपना था, हम उनकी सच्ची संतान है, वो सपने को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय।